हाय एवरीवन, वेलकम बैक। पूरे विंटर ना मैंने यूट्यूब पे, इवन इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे शावर रूटीन के, जिसमें पहले वो बॉडी वॉश अप्लाई करते थे, देन बॉडी स्क्रब, बॉडी पैक, सीट मास्क, फेस पैक, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते थे। और मैं देख के यार सोचती थी कि सच में यार विंटर में इतनी सारी चीज़ें आप अप्लाई कर पाते हो। मैं तो उन्हें देख के ही कांपने लगती थी, क्योंकि मुझसे ना विंटर में से पानी डालो, सोप लगाओ, नहा के आ जाओ, बस इतना ही हो पाया इस विंटर में, खासकर क्योंकि इस साल की जो ठंड थी ना बहुत ज़्यादा थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। फेस पैक में कभी कभी अप्लाई कर लेती थी तो कर लेती थी बाई चांस, लेकिन वैसे मुझसे बॉडी केयर और मतलब जिस टाइप से मैं करती हूँ उस टाइप से मैं नहीं कर पाई। मैंने जो यूज किया पूरे विंटर वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। पहले मैं बता दूं, मेरी स्किन टाइप ना सेंसिटिव है, ऑयली है। अगर केयर नहीं करो मेरे स्किन की, बॉडी की केयर नहीं करो, तो बहुत जल्दी डल हो जाती है, डार्क सी होने लगती है, क्योंकि डेड सेल बहुत जल्दी एक्यूमुलेट हो जाते हैं मेरे स्किन में। तो उसको क्लीन करने के लिए बॉडी स्क्रब को यूज करती थी मैं। तो बॉडी और स्किन का केयर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, तो मैंने क्या किया, ये वाला सोप मंगाया। मीशो से सर्च किया मैंने, बहुत सारे अमेजोन पे सर्च किया, मीशो पे सर्च किया और रिजल्ट देखे, रिव्यू वगैरह देखे, उसके बाद मैंने ये वाला सोप मंगाया। तो पूरे डिटेल्स के बारे में हम आगे चलकर जानेंगे, वर्क करता भी है कि नहीं करता है, किस स्किन टाइप के लिए अच्छा है, किन्हें यूज करना चाहिए और किन्हें यूज नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ हम जानेंगे। तो इसके लिए वीडियो को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सोप का नाम है ग्लूटाथियोन स्किन वाइटनिंग सोप, एनरिच्ड विद एक्टिवेटेड चारकोल, एलोवेरा, विटामिन ई, कोजिक एसिड, स्किन लाइटनिंग प्लस ब्राइटनिंग। ओके, तो ये 100 ग्राम की है एंड फॉर ऑल स्किन टाइप है। आप इंग्रेडिएंट सामने देख सकते हैं एंड जो मेन इंग्रेडिएंट है ना उनके बारे में मैं आपको बता दूंगी कि कैसा वर्क करता है और कैसा वर्क नहीं करता है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कोजिक एसिड, इससे जरिए एजिंग, सन टैनिंग और जो पिंपल के दाग धब्बे होते हैं ना इसे ये दूर करता है। एलोवेरा स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन में ग्लो लाता है। विटामिन ई भी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन का कलर हल्का करता है। विटामिन सी होता है न्यू ब्लड सेल को जनरेट करता है और स्किन में ग्लो लाता है। ग्लिसरीन भी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन को हेल्दी बना के रखता है। और एक्टिवेटेड चारकोल स्किन से जो ऑयल होता है ना उसे हटाता है, ब्लैकहेड्स को कम करता है। और ग्लूटाथियोन क्या होता है, पिगमेंटेशन, झुर्रियों और दाग धब्बों को दूर करता है। इसके अलावा ये है, ये एक्जिमा से दूर करता है, जो सोडियम पाम होता है, एंड आर्ब्यूटिन है जो त्वचा में चमक बनाने के लिए होता है। तो इसे यूज कैसे करना है उसका डायरेक्शन ना आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा, नहीं तो मैं आगे चलकर बता ही दूंगी। और इसकी जो MRP है 349, एक्सपायरी डेट वगैरह आप जो भी है सब देख सकते हैं, लेकिन मीशो में आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। एंड इसे ओपन करते हैं तो सिंपल सा ये पैकेजिंग है इसकी, इस तरीके की व्हाइट कलर की, थोड़ा सा टाइप का ये पॉलीथीन है, उसमें ये रैप है। एंड सोप की बात करें तो कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर सा डिजाइन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल सा इसका डिजाइन है, एक्टिवेटेड चारकोल के जो कलर होता है ना, ग्रे कलर का हल्का सा ब्लैक टाइप का, तो उस तरीके से है ये। तो इसे आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, फेस, पूरी बॉडी, जहां पर डिपेंड करता है आपको जैसे अप्लाई करना है फेस पे या पूरी बॉडी पे, बॉडी को गीला करना है और इस तरीके से आपको थिक लेयर अप्लाई करना है अपने फेस में, अप्लाई करके रखना है। मतलब ना हो सके आपको सोप को रब करते जाएंगे ना, तो इस तरीके से आपके बॉडी में, फेस में ये थिक सा एक क्रीम सा पेस्ट बनते जाएगा। और इस तरीके से अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसे छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए, आपको छोड़ना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने देर आपको छोड़ना है, एंड देन आपको शावर ले लेना है। तो प्रोडक्ट के बारे में आपने सब कुछ देख लिया, प्रोडक्ट कैसा है, इंग्रेडिएंट वगैरह क्या क्या है और मतलब प्राइस वगैरह सब कुछ आपने देख लिया होगा। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मुझ पर ये कैसा वर्क किया। तो मैंने जैसे बताया मेरी स्किन सेंसिटिव है ना, तो उसकी वजह से मैंने इसे मंगाया था। और ये जो प्रोडक्ट है ना, आप अगर सिंगल पर्सन यूज कर रहे हो तो 1 से 1.5 मंथ के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। ओनली फेस में अप्लाई करोगे तो और ज़्यादा चल जाएगा, फुल बॉडी में अप्लाई करोगे तो 1 महीने के लिए आसानी से चल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया है एंड ये पूरी तरीके से, ये टूटने ही वाला था तो मैंने सोचा इससे पहले ये टूट जाए तो इसका थोड़ा रिव्यू शेयर कर देना चाहिए आप लोगों से। तो मैंने इसे अप्लाई किया, 1 वीक में ही मुझे रिजल्ट देखने को मिला। मैं ऐसे नहीं करूँगी कि ये हाथ देखो मेरा, एक गोरा एक काला, ऐसा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि वो फेक होता है मेरे हिसाब से। तो जो मेरा नेचुरल स्किन कलर है ना, वो इसने मतलब बरकरार रखा, मेंटेन करके रखा मेरा जो नेचुरल स्किन है। इससे स्किन का कलर एक शेड आपको लाइट भी देखने को मिला है। पहले बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल आप मत सोचिएगा कि आपका स्किन कलर डार्क है बहुत ज़्यादा और आप सोच रहे हो कि सोप अप्लाई करोगे और अचानक से मिरेकल हो जाएगा, आप सडन आपका कलर फेयर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला।
आपको जो नेचुरल स्किन कलर है ना, एक टोन वो बढ़ाएगा, एक या दो टोन। जैसे मैं बॉडी स्क्रब यूज करती थी ना, तो बॉडी स्क्रब से जैसे आप अप्लाई करो ना, तो स्किन का कलर फेयर होता है, स्मूथ होता है, शाइन आता है, वैसे ही सेम सोप को अप्लाई करने के बाद 1 वीक के बाद मुझे रिजल्ट देखने को मिला। और हाँ, ये वर्क करता है। अगर आपको बॉडी स्क्रब लगाना पसंद नहीं है किसी भी सीजन में, जरूरी नहीं है कि विंटर में बॉडी स्क्रब लगाना, बॉडी पैक लगाना, उपटन वगैरह जो होता है ना लगाना पसंद नहीं है, तो आप ये वाला सोप ट्राई करके देख लेना। अब किसे यूज करना चाहिए ये वाला सोप और किसे यूज नहीं करना चाहिए, मैं बोलूंगी जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी होती है, ऑफिस वगैरह जाते हैं ना, बाहर काम करते हैं, तो उन्हें ना इतना टाइम नहीं हो पाता कि वो जल्दी बॉडी स्क्रब कुछ भी मतलब बॉडी केयर कर पाए, जल्दी से वो नहाते हैं और चले जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके लिए आपको ये अप्लाई कर सकते हो। आप 2 से 3 मिनट रखना है बस, और उसके बाद आपको शावर ले लेना है, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप घर पर रहते हो, आपके पास टाइम है, तो जितना आप पॉसिबल हो उतना आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, जरूरी नहीं है आप उसका यूज करें। ओके, तो अब बात करते हैं सोप के बारे में, कितने दिन तक आपको यूज करना है। वैसे इसमें लिखा है 5 to 6 मंथ के लिए आपको इसे यूज करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उनको आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें अप्लाई करना छोड़ देंगे, तो उनका जो वर्क होगा वो भी स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपकी स्किन जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। ऐसा नेचुरल चीज़ों में भी होता है, नेचुरल चीज़ें आप अगर जब तक अप्लाई करोगे तब तक आपका स्किन अच्छा रहता है, और अगर आप छोड़ दोगे तो आपका स्किन सेम वैसा ही हो जाता है। इसके साथ भी सेम वैसा ही है, इसे आपको अप्लाई करते रहना होगा। अगर आपको स्किन अगर आपको लगता है कि वर्क कर रहा है यार, और एक बार मैंने अप्लाई कर लिया है और दोबारा मैं इसे छोड़ दूँ अप्लाई करना, तो मेरी स्किन फेयर हो गई, मैं इसे छोड़ दूँ तो मेरी स्किन फेयर ही रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इसे कंटिन्यू अप्लाई करना पड़ेगा, आपका जो रेगुलर सोप है उसे आपको हटा के इसे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा के लिए आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ज़्यादा केमिकल भी नहीं है। जो स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, जो केमिकल यूज किए जाते हैं, वही इसमें मिले हुए हैं। किसी तरीके का साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, स्किन में रैशेज वगैरह देखने को मिलते हैं ना, देर आपको अवॉइड करना है, नहीं लगाना है, अप्लाई नहीं करना। नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप देख सकते हैं इसे कब तक आपको इसे यूज करना है, कब तक यूज नहीं करना है। अच्छा स्किन पे वर्क करता है तो फिर हम क्यों नहीं यूज करेंगे ना, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कब तक यूज करना है और कब तक यूज नहीं करना है। मैंने ये सोप दिन में कितने बार यूज किया, इसमें तो वैसे लिखा है 2 से 3 बार अप्लाई करना है आपको अ डे, एंड मैंने इसे यूज किया दिन में एक बार बस, 6 आवर के वक्त मैंने इसे यूज किया है। एक बार मैं पूरे बॉडी में अप्लाई कर लेती थी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बोला जाए तो मैं 2 से 3 मिनट रुकती थी, उसके बाद मैं नहा कर आ जाती थी, तो मैंने इतना ही टाइम लिया है। और इसमें लिखा है जितना देर आप इसे रखोगे ना अपने पूरे बॉडी में, उतना ही अच्छे से वर्क करेगा, तो मैंने 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा रखा है इसे, एंड उसके बाद मैं शावर लेकर आ जाती थी, तो मैं दिन में एक बार ही यूज करती थी, इसलिए 2 महीने तक चल गया है। एंड आप चाहे तो 2 से 3 बार अगर आपको सिर्फ फेस पर अप्लाई करना है तो 2 से 3 बार यूज कर सकते हो, पूरी बॉडी में अप्लाई करना है, आप जैसे टावर लेते हो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कोड है, वहां से जाके आप नीचे में जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे इसी नेम के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, और प्राइस भी सबकी अलग अलग ही होती है। फिर मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे इतने में मिला है, मुझे इतने में मिला है, तो प्राइस सबकी अलग होती है, सभी सेलर की प्राइस अलग होती है, तो मैंने जो कोड दिया उससे आप देख सकते हो, फिर सर्च करते हो नेम डाल के, आप सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। ट्राई करना एक बार, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो मुझे बताना, अगर कुछ किसी तरीके का साइड इफेक्ट होता है ना तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बताना है, क्योंकि उससे क्या होता है बाकी लोगों को भी पता चलता है। मुझे बहुत कम ही चीज़ें साइड इफेक्ट मतलब होती है मेरे बॉडी में, तो मैं जितना मतलब होता है मुझे रिजल्ट मिलता है उस हिसाब से मैं बता देती हूँ, साइड इफेक्ट होता है तो भी मैं बता देती हूँ, लेकिन मेरे चीज बॉडी पर साइड इफेक्ट बहुत ही कम चीज़ें करती है। सेंसिटिव स्किन है फिर भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत ही कम ही चीज़ों को होता है। तो अगर आपका जैसा एक्सपीरियंस रहेगा, नहीं होता है, डार्क हो रही है स्किन, लाइटन हो रही है स्किन, रैशेज हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, जैसा भी हो रहा है ना, कमेंट में जरूर बता दिया करना, उससे क्या होता है बाकी लोगों को भी पता चल जाता है ना। तो प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड वगैरह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो मैं प्राइस बताती हूँ ना वो जरूरी नहीं है कि सेम वही प्राइस हो, क्योंकि कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा होते रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा और ऑर्डर कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस आप मुझसे कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।